الرحمن الرحيم. अस्सलामु अलैकुम। आज ये बुध का दिन है और 20 जुलाई 2022 की तारीख। हमारी नशरियात तदब्बुरुल कुरान जो है उसकी ये 339वीं ब्रॉडकास्ट है और हम आजकल अल बकरा की आयत नंबर 102 जो है उसके अल्फाज जो हैं उन पर बात कर रहे हैं। और आयत नंबर 102 पर या उसके अल्फाज पर बात करते हुए ये हमारी 20वीं ब्रॉडकास्ट है। ये नशरियात आपकी खिदमत में लेज़र या लाहौर अहमदिया स्कूल ऑफ एजुकेशन इन रिलीजन जो है वो पेश करता है, जो कि अहमदिया अंजुमन इशात इस्लाम या तहरीक अहमदिया लाहौर जो है उनका एक शाख है, ब्रांच है, सीगा है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि जमात अहमदिया के बानी थे हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब कादियानी, और उनकी तालीम थी कि वो दूसरे मुसलमान जो हैं वो कहते हैं कि आ हज़रत के बाद भी एक नबी आएगा, लेकिन क़ुरान ने फरमाया है के आ हज़रत खातम नबीन थे और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर इसकी तशरीह या तफसीर की कि ला नबी आबादी, नहीं नबी कोई बाद मिले। अब इसका मतलब है कि अब कोई नबी नहीं आ सकता, ना कोई नया नबी और ना ही कोई पुराना। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब कादियानी रहमतुल्लाह अलैह बानी सिलसिला अहमदिया जो थे उनका दावा था कि हदीस मुजद्दद के मुताबिक वो अपने ज़माने के मुजद्दद हैं। कैसे? उससे पहले भी 1300 साल तक मुजद्दीन जो है वो आते रहे, लेकिन हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब अलैह रहमत जो हैं उनकी जो खसूसियत ये थी कि दूसरी अहादीस जो हैं उनमें जिस मसीह और महदी का ज़िक्र हुआ, हज़रत मिर्ज़ा साहिब जो थे उनका दावा था कि उनके आने के निशानात यानी मसीह और महदी के आने के निशानात जो हैं वो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की बासत जो है उससे पूरे हो गए, और ये कि ये एक मुसलमान मुजद्दद के लिए आ हज़रत सल्लम ने ये इल्काब इस्तेमाल किए थे। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जो हैं उन्होंने ये भी कहा, और इस वजह से इस बात से एक बहस शुरू हो गई। कुछ लोग जो थे उन्होंने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब जो हैं उनकी इस तशरीह तफसीर को कबूल कर लिया, कुछ लोग जो थे उन्होंने ना किया। तो जो कबूल ना करने वालों में से थे उन्होंने
अजहर साहब और अहमदियों पर कुफर के फतवे लगाने शुरू कर दिए। तो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ने फरमाया कि देखें, अपना ये वाजिब नहीं कि एक कलमा गो दूसरे कलमा गो को काफ़र कहे, इसलिए कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की हदीस के मुताबिक अगर एक कलमा गो दूसरे कलमा गो को काफ़र कहेगा तो कुफर उल्ट कर कहने वाले पर आकर पड़ेगा। ये आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की हदीस है कि कुफर खुद उल्ट कर कहने वाले पर आकर पड़ेगा। तो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब जो हैं, उनकी ये भी तालीम थी कि जो दूसरे लोग कहते हैं कि कुछ वही नबूवत कुरान से बाहर रह गई है, कुछ लोग कहते हैं कि अपना वही नबूवत जो कुरान में मौजूद है उसके अहकाम मंसूख हो चुके, उसके अहकाम मंसूख हो चुके, लेकिन हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ने फरमाया कि ये बात गलत है, इसलिए कि खुदा ताला ने फरमाया है कि मैंने इसे यानी कुरान को नाज़िल किया है और मैंने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। तो जिस चीज़ का मुहाफिज खुद खुदा ताला हो, ये कैसे मुमकिन है कि कोई वही नबूवत जो है वो उससे बाहर रह जाए, या ये कैसे मुमकिन है कि कोई वही नबूवत जो उसमें है उसके अहकाम जो है वो मंसूख हो जाए। तो और हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी फरमाया कि जहाद हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, लेकिन हमें जहाद की वो तारीफ़ लेनी है जो आ हज़रत ने की। जो लोग कहते हैं कि जी तलवार उठाओ और किसी को कहो कि अगर तुम कलमा नहीं पढ़ोगे तो हम तुम्हारा गला उतार देंगे, ये जहाद है, ये जहाद नहीं, ये दहशतगर्दी है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने एक जंग से वापस आते हुए फरमाया कि हम जहाद असगर से जहाद अकबर की तरफ लौट रहे हैं, और कहा कि जहाद अकबर जो है वो जहाद बिन नफ्स है। तो जी हाँ, जहाद हर मुसलमान पर फ़र्ज है और 24 घंटे फ़र्ज है, लेकिन सबसे पहला जहाद और वो जहाद जिसको आ हज़रत ने जहाद अकबर कहा, वो अपने नफ्स के साथ जहाद करता, दिल की जो ख्वाहिशात हैं, दिल में जो धोखा, बेईमानी, झूठ, हुकूमत का टैक्स मारना, सिफारिश करके अपने रिश्तेदारों की तरक्कियां करवाना ताकि वो भी आपके काम आ सके, पहले इन चीज़ों को कंट्रोल करें, फिर जाके किसी और के साथ तलवार का या दूसरा कोई जहाद जो है वो करे। तो आइए कुरान की आयत जिस पर हमने बात करनी है, तो मैं हर दफ़ा अर्ज़ करता हूँ कि अपना क्योंकि लंबी आयत है, मैं सिर्फ उसके उसी हिस्से की तलावत करूँगा जिसके अल्फाज पर हमने बात करनी है। तो ये है अल-बकरा आयत नंबर 102, फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलाकद عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ في الآخرة من خلاق। तो और यकीनन वो जानते हैं कि जिसने उसको मूल लिया उसका आखरत में कोई हिस्सा नहीं। तो आज जिन अल्फाज पे हमने बात करनी है
वो है वलाकद अलीमू और लामनी। तो इन अल्फाज पे हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे जो है कंप्यूटर पे नोट्स उनकी तरफ। तो पहला जो है वो जैसे मैंने अर्ज किया वाला कद, तो ये लफ्ज़ जो है इसके लिए जैसे मैं हमेशा कहता हूँ टर्म बेहतर लफ्ज़ है, इसलिए कि इसके तीन हिस्से हैं। तो पहला है वा एंड, यानी वो जो है पिछला हिस्सा आयत का, उसके साथ अगला मज़मून जो है वो मिलाया जा रहा है। और दूसरा हिस्सा दरमियान का है लाखा, और आखिरी हिस्सा जो है वक़द द। तो ये जो है ये दोनों जो हैं लाकद यानी ये इसे कहते हैं एम्फसिस देते हैं, यानी जोर देते हैं इस चीज़ पे जो कही जाने वाली है वाला का। और यकीनन उर्दू में एंड इंडीड अंग्रेजी में। तो आगे जो है फिर लफ्ज आ गया अलीमू। तो इसी आयत में हमने कई दफ़ा इस पे बात की है, तो कि इसका मस्तर जो है इसका रूट जो है वो है आइन लाम मीम, और इस मस्तर से 14 बने अल्फाज जो है वो कुरान में हमें मिलते हैं, और कुल ये मस्तर जो है 854 दफ़ा कुरान में जो है इससे बने अल्फाज हमें मिलते हैं या ये मस्तर मिलता है। तो मसलन 382 दफ़ा अलीमा और 163 दफ़ा अलीम और 105 दफ़ा अलीम और 73 दफ़ा अलामिन या अलामीन एक्चुअली सॉरी आलमीन, ये मैं एक्चुअली बदकिस्मती से अंग्रेज़ी में लिखा हुआ तो मैं उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे अपना गलती हो जाती है। वो आलमीन तो 49 टाइम्स आलम और 41 टाइम्स अल्लामा। तो बाकी जो है वो फिर एक दफ़ा दो दफ़ा एक्चुअली 18 दफ़ा आता है आलिम और 11 दफ़ा आता है मालूम। तो ये सारे इस मस्तर इस रूट से बने हैं। तो अल-अलीम जो है उसका मतलब होता है कि ये अब उर्दू में भी है इल्म, उसने उस चीज़ का इल्म हासिल किया, यानी कोई चीज़ जो है उसके मुतल्लिक सारी जो है मालूमात इतलात वो हासिल करना। तो जैसे मैंने अर्ज किया ये आप दो तरह कर सकते हैं, एक तो ये है कि किसी चीज़ का नाम हो जिससे उसका पता चल जाए, दूसरा ये है कि कोई आप सिफात जो है उस चीज़ की वो बयान करें जिससे पता चल जाए। मसला ये है कि आप कहते हैं टोयोटा यारिस, आपको फौरन पता चल जाता है कि किस कार का जिक्र किया जा रहा है उसके नाम के साथ,
ना सिर्फ ये बल्कि हो सकता है कि आपको उसकी सारी सिफात का भी पता चल जाए। तो लेकिन हो सकता है कि ड्योटा यारस जो है वो मुख्तलिफ किस्म की हो, कोई पेट्रोल पे चलती हो, कोई डीजल पे चलती हो, कोई हाइब्रिड हो, बिजली और पेट्रोल दोनों पे चलती हो। तो गोया वो नाम लेना जो है यारिस, वो आपको काफ़ी हद तक उस चीज़ के नज़दीक ले जाएगा कि आप समझ जाएं कि ये क्या है। लेकिन जब तक आप मज़ीद मालूमात जो है वो नहीं देंगे तो ये पक्का नहीं होगा कि किस चीज़ के मुतल्लिक बात हो रही है। तो वो लोग कहते हैं कि डिक्शनरियाँ भी कहती हैं कि इल्म जो है वो दो तरह पे होता है, कि किसी ज़ात का नाम से पता कर लेना या किसी सिफ्त के साथ पता कर लेना। मुझे इससे इत्तेफाक नहीं, इसलिए कि ये जो मैंने मिसाल दी है कि टोयोटा यारिस, अब ये कारों की जो है किस्म है, लेकिन इसमें कई तरह की कारें। तो जब तक ज़ात के साथ आप सिफ्त नहीं लगाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी कार। मसलन ये भी हो सकता है कि टोयोटा है, यारिस है, हाइब्रिड है, लेकिन इसके अलावा हो सकता है कि कोई और भी खसूसियात हो। मसलन कई टोयोटा यारिस हाइब्रिड जो हैं उनमें सैटेलाइट नेविगेशन है, कई में नहीं है, कुछ में एयर कंडीशनिंग है, कुछ में नहीं है। तो अकेला नाम जो है वो आपको पूरा इल्म नहीं देता। हो सकता है आपको उस चीज़ की एक सिफ्त साथ लगानी पड़े, ये भी हो सकता है कि एक नहीं कई सिफात लगानी पड़े, जैसे मैंने ये कार की मिसाल से बयान किया आपके सामने कि ये जो है एक कार जिसको आप देख रहे हैं तो उसके नाम और कई सिफात से आपको पता चलता है कि जनाब ये किस किस्म की कार है। तो ये मैं कोई बड़ा आलम तो नहीं, डिक्शनरियों में आपको यही मिलेगा कि जनाब इसी चीज़ के मुतल्लिक आप दो तरह से इल्म हासिल कर सकते हैं, एक उसका नाम हुआ और एक उसकी सिफात हुई। तो लेकिन माजरत के साथ मुझे इख्तलाफ़ है इन बड़े बड़े उलमा से, इसलिए कि मैं कहता हूँ कि अपना बहुत दफ़ा जब तक नाम के साथ सिफात भी ना लगाई जाए तो मुकम्मल इलम हासिल नहीं होता। एक इंसान को ले लें, उसका नाम है शाहिद अज़ीज़। अब शाहिद नाम जो है, शाहिद और अज़ीज़ नाम जो है, ये ईरान में भी हो सकता है, अफ़गानिस्तान में भी हो सकता है, तुर्की में भी हो सकता है, अरब मुल्कों में भी हो सकता है, अमेरिका में भी हो सकता है जहाँ मुसलमान आबाद है। तो शाहिद अज़ीज़ अगर आप दो तीन को जानते हैं, एक पाकिस्तान से है, एक अमेरिका से है, एक जर्मनी से है, तो आप पूछेंगे यार कौन से, किसकी बात कर रहे हो, तो कहेगा ओ यार वो जो अमेरिका वाला है। ओ अच्छा 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 अच्छा। लेकिन ये भी हो सकता है कि उससे भी आगे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप दो शाहिद अज़ीज़ हैं उनको अमेरिका में जानते हैं, आप कहेंगे ये कौन सा अमेरिका वाला, यार वो जो लाहौर से अमेरिका के। ओ अच्छा 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 अच्छा। तो एक्चुअली जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पेसिफिक एग्जैक्ट
मालूमात जो है किसी चीज़ के मुतल्लिक होने के लिए, तो हो सकता है कि अपना आपको ज़्यादा खोज लगानी पड़े, और अकेला नाम जो है उससे मकसद जो है वो हल ना हो। तो यही चीज़ जो है, यही खुदा ताला जो है कुरान में फरमाता है, ये जो फरमाया कि अपना वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा, उसने आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखाए। तो अब ये देखें, मैंने आपको मिसाल दी है कि नाम पता होने के बावजूद आपको पूरी मालूमात नहीं मिलती है चीज़ के मतलब। तो इसका मतलब है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे, खुदा ताला ने एक तख्लीक की चीज़ की जिसके अंदर ये सलाहियत थी कि वो एग्जैक्टली हर चीज़ के मुतल्लिक इल्म हासिल कर सकता था। जैसे जो मिसाल मैं दे रहा हूँ कि आप यारस की जो मिसाल मैंने दी आप उससे देख सकते हैं, लेकिन ये जब तक बोलने की सलाहियत ना हो तो ये नहीं हो सकता। बल्कि बोलने और लिखने दोनों की जब तक ये सलाहियत ना हो, मुकम्मल मालूमात आपको हासिल नहीं हो सकती। जब कोई कहेगा कि ये यारस, अगर आप बोल नहीं सकते तो आप कैसे पूछेंगे यार कौन सी यारस, ये पेट्रोल से चलने वाली यारस या हाइब्रिड यारस या किसकी बात कर रहे हैं? तो बोलने की सलाहियत ज़रूरी है, उससे इलम आगे बढ़ता तरक्की करता। जवाब देने वाला जवाब देता है यार यारस ये हाइब्रिड जो है, और यार यहाँ तीन हाइब्रिड खड़ी हैं यारस, इसमें एयर कंडीशनिंग नहीं है, इसमें सैट नैव नहीं है, इसमें दोनों हैं, तीनों में से किसकी बात कर रहे हो? तो मतलब है इंक्वायरी जो है उसके लिए बोलने की सलाहियत जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए। अब ये दो चीज़ें हैं, एक जो है उसके मुतल्लिक हमने पहले भी बात की थी, और वो ये कि इल्म जो है, नॉलेज जो है उसको प्रिजर्व करना। सॉरी मेरी आँख में इरिटेशन हो रही है। एक चीज है प्रेजर्वेशन और एक चीज है हासिल करना। आपको पहले इल्म हासिल होगा तो फिर ही आप उसको महफूज करेंगे ना। अगर बग़ैर ही मुकम्मल इल्म हासिल हुए तो आप जिस चीज़ को, किसी चीज़ को महफूज कर लेंगे तो फिर वो मुकम्मल नहीं होगी। इस बात का ख़दशा होगा कि लोग जो हैं आप उनको गलत मालूमात दे रहे हैं, या ये है कि मुकम्मल मालूमात नहीं दे रहे, अधूरी मालूमात दे रहे हैं। ये इसी तरह ना, एक खेत में अगर पांच मुख्तलिफ तरह के जानवर हैं तो आप उन्हें कहें वो देखें चार टांगों वाला, तो वहाँ भेड़ें भी हैं, घोड़े भी हैं, गाय भी हैं, ऊँट भी हैं, तो कौन सा? तो यार जिसकी ऊन से स्वेटर बनते हैं, या जिस पर ऊन है, तो अब आप भेड़ों की तरफ आ गए, क्योंकि आप भेड़ें जो हैं उनके मुतल्लिक बात हो रही है। तो और फिर इसके अलावा आगे भी हो सकता है कि आपको इससे भी ज़्यादा मालूमात की ज़रूरत हो। तो ये इलम जो है
ये बड़ी क्या कहा जाए ट्रेजेडी है कि हम कहते हैं कि जनाब हजरत अमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस्लामाबाद लिखते, अब आपने इस पे सवाल नहीं करना। और हम देखते हैं बहुत से मुसलमान मुल्कों में कहा जाता है कि जनाब उस्ताद की इज्जत करो, सवाल ना पूछो। लेकिन जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तो इल्म जो है वो आगे कैसे बढ़ेगा? आप कुरान की मिसाल लेना, क्या कुरान में फरिश्ते जिनके मुतल्लिक कहा जाता है कि अपना वो सवाल कर ही नहीं सकते खुदा के अहकाम का, तो जब खुदा ने आदम जो था उसकी तख्लीक का जिक्र किया तो फरिश्तों ने आगे से क्वेश्चन किया कि हम तो जो तुम कहते हो खुदा ताला हम करते हैं, ये तुम क्या चीज जो है बनाने लगे हो, ये क्या मखलूक बनाने लगे हो, इससे फसाद पैदा नहीं होगा? वो ये देखें फसाद जो है वो हमने पैदा कर लिया, ये इंग्लिस्तान जो है इसमें कभी इतनी गर्मी नहीं होती थी, आजकल इतनी गर्मी है, रिकॉर्ड हर रोज एक रिकॉर्ड टूटता है, टेम्परेचर दर्जा हरारत जो है वो 41 तक चला गया, यानी उतनी गर्मी होगी जितनी हिंदुस्तान पाकिस्तान, और ये बात कभी सुनी नहीं थी। तो इंसान जो है उसने अपने करतूतों से फैक्ट्रियां बनाने से जिनमें धुआं निकलता था, कारें बनाने से जिनमें धुआं निकलता है, हवाई जहाज बनाने में जिनसे धुआं निकलता है, एक फसाद पैदा कर लिया ना। यही फरिश्ते जो थे वो उन्हें था कि होगा, और खुदा ताला जो है वो तो जानता था जाहिर है, लेकिन आदम या बनी नू आदम एक ऐसी मखलूक है जो क्वेश्चन करते हैं। क्यों क्वेश्चन करते हैं? ताकि इलम जो है वो आगे बढ़े। लेकिन वो मुल्क जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, हमने सवाल पूछने पर पाबंदी लगा दी, स्टूडेंट जो है वो टीचर से सवाल नहीं पूछ सकते, बस वो कहते हैं जी रट्टा मार के जुबानी याद कर लो बस काफी है। तो सवाल जो है इम्तिहान में आते हैं, मैथमेटिक्स वगैरह, बल्कि हर मजमून में भी, हिस्ट्री के भी, वो इसी तरह के होते हैं कि आपको किसी तहकीक, किसी पूछने की, कोई सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप जो हैं क्या उसे कहा जाए अंग्रेजी में कहते हैं तोते की तरह, जो लिखाया है आप उसको लिखते चले। तो जैसे मैंने अर्ज किया, ये दो चीजें इल्म के मुतल्लिक खुदा ताला ने बयान की। नंबर वन, हजरत आदम जो हैं उन्हें सवाल पूछने की अहलियत दी, और दूसरा कलम से सिखाया कि कलम के साथ उसको महफूज किया जाए, ताकि जहां तक बनी हुए इंसान पहुंच गए हैं वो जो है वो जाया ना हो जाए, ताकि जहां तक एक नस्ल लेके गई है तहकीक और रिसर्च और इल्म को, अगली नस्ल उससे आगे चले। लेकिन आगे तभी चलेंगे कि जब वो जो चीज महफूज की गई है उसके मुतालिक पूछा जाए कि क्यों कैसे। तो इसी के साथ हमारा उर्दू की ब्रॉडकास्ट का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ करता है, इस दुआ के साथ कि खुदा ताला सारे बनी हुए इंसान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और नुकसान और शर से बचाए। मैं कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, अस्सलामुअलैकुम, खुदा हाफिज़ और गुड बाय।